अच्छा जी अब हम स्टार्ट ले रहे हैं चेरी का। चेरी ऑर्चर बड़ा जबरदस्त ड्रामा है और ये भी ड्रामा आपके जिसे कहते हैं ना कि की ड्रामो में ही शुमार हो रहा है आपको जितने भी ड्रामास दिए गए हैं ना इंग्लिश का सिर्फ दस ही है द सी इंग्लिश का ड्रामा है और इसके अलावा बाकी ड्रामे आपको ट्रांसलेशन करके दिए गए हैं और ये जो चेरी ऑर्टेड चेर ऑर्चिड है रशियन उसका रशियनियो का लिखा हुआ है जो था था वो नॉर्वेजियन लिखा हुआ था। वेटिंग फॉर गोडो हम स्टडी करेंगे तो वो फ्रेंच का है और अगर हम इसके बाद देखते हैं गिलेलियो तो गिलियो भी जर्मन का प्ले था लेकिन बाकी जो आपके दूसरे दो प्लेज हैं वो आपके पंजाब यूनिवर्सिटी उठाती नहीं है तो सी एक हमारे इंग्लिश राइटर का ही प्ले है इस वजह से वो ही इंग्लिश आपको मिला है प्ले जना बाकी सारे आपके ट्रांसलेटेड ड्रामाज हैं अच्छा लेडी रेनवेस्की के बारे में बात कर रहे थे हम ये जो हमारी हाथून है जनाब ये ड्रामे की हीरोइन भी कहलाती हैं क्योंकि तो उस जमाने में ये थोड़ी था कि सोलह साल की है तो हीरोइन आएगी जनाब तो पचास साल की है तो हिरोइन नहीं आएगी क्योंकि ये स्टेज ड्रामाज होते हैं जिसका नाम है लाइव भी इसे कहा जाएगा रेनवेस्की भी कहा जाएगा और इसके अलावा मैडम करके भी इसका एक नाम आना इसके तीन चार नाम आएंगे असल में जो टेक्स्ट है ना उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें नामों पे भी वीडियो बनी हुई है जब आप चेरी ऑर्चेड का प्ले खोलते हैं ना तो उसमें नामों पे भी है, वो नाम जरा एक दफा जरूर देख लीजिएगा नाम से बंदा परेशान हो जाता कि ये ये कौन था मिडिल है यानी बुढ़ापे के करीब है अरिस्टोक्रेटिक है आपका नंबर टू अमीर खातून है है जनाब नंबर थ्री पॉइंट हमारी हिरोइन है और ऑनर भी तो है एक लार्ज स्टेट की बड़ी रियासत की मालिका भी है और उसका नाम है दर्चर्ड विच द और यही चेहरी ऑर्चर है जिसके गिर्द घूमता है सारे का सारा ड्रामा उधर ही चक्कर लगाता रहता है इसकी पर्सनैलिटी कैसी है मल्टी है इसके बड़े चेहरे हैं इस खातून के अगर देखें तो ये है एक स्केपिस्ट ये वो है है जो फरार चाहती है, कहां से हर वक्त पनाह चाहती है किन के अंदर उन हसीन यादों के अंदर जो कि इसकी अपनी ही एक शायराना किस्म के पास्ट की इसके पास है फरार चाहती है माजी में सामना नहीं करना चाहती है हकीकत का क्रिटिकल स्टडी अगर हम करते हैं यानी अगर हम टेक्स्ट नहीं रीड कर रहे तो हम छोटी मोटी चारी और की समरी रीड कर रहे हैं तो हमें क्या पता चलता है हमारे सामने ये जाहिर हो जाता है कि बहुत डिफरेंट अनासिस मौजूद हैं इस खातून की शख्सियत में चेखब जो है ना जनाब ये हमारे राइटर का नाम है इन्होंने प्रेजेंटेड किया है इस खातून को और इन्होंने इसे नुमाइंदा बनाया है एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर्स का उस जमाने का जो कि अमीर लोगों की दुनिया थी अमीर लोगों की जो रहन सहन था उसकी ये नुमाइंदा है एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी जब आ गया था तो ये जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी अमीरी जो थी ना जल्दी जल्दी खत्म होती रही नजर आ रही थी अब वो जात पात नहीं था कि अमीर का बच्चा अमीर और गरीब का बच्चा गरीब रहेगा अब दौलत इधर उधर हो रही थी अमीरों से निकल के गरीबों में गरीबों से निकल के वजीद गरीबों में यानी अब इनका अरेस्टोक्रेसी वाला चक्कर खत्म हो रहा था नाइनटीन सेंचुरी को अंडरलाइन खड़े इस एरिया में आके जनाब इनकी जो ग्राउंड्स जो थी ना वो खत्म और अब क्या रह गया था वो उनकी जगह आ रहा था न्यू सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर अंडरलाइन करें एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर की जगह रिप्लेस हो गया था द न्यू सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर ये दोनों ऑर्डर्स निकाल के रखें और सेंचुरी को याद रखें नाइनटीन सेंचुरी का एंड है ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं बट वो इस काबल नहीं है कि वो कबूल करे इस सोशल तब्दीली को जो कि रशिया में आ रही थी एक और पॉइंट रशिया को निकाले न्यू सोशो इकोमिक निकाले ऑर्डर को निकाले नाइनटीन सेंचुरी को निकाले इन अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए आपने जुमले बनाने होते हैं अच्छा उसने औरत के साथ साथ आपको वहां का माशरा भी दिखा दिया वो जानती है बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उसकी जो रियासत है बहुत भारी सूद के कर्जे में डूबी पड़ी है होता है सूद कुछ दे के तो उस पे भरता ही जाता है भरता ही जाता है भरता ही जाता है वो बहुत ज्यादा जानती है कि बिकम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए कि वो पे ऑफ करे इसको अदा करे हा के वो तो इंटरेस्ट भी नहीं दे सकती और गिरवी की कहा उसने कीमत देनी अमोट गेज गिरवी यानी उसने अगर गिरवी रखा हुआ है ना तो गिरवी की कीमत कहाँ देनी है वो तो गिरवी का सूद भी नहीं देने के काबल है जो कि उसने इस गिरवी स्टेट रखने के बाद लिया था और माना था कि देगी लेकिन वो चेंज करने को अपने इन अमीराना तौर तरीकों को बिल्कुल तैयार नहीं है पहले हम देखते हैं इसका नाम जो है लाइ का मतलब है लव इन रशिया रशिया के अंदर इसके और खातून के इस का मतलब है लव वो, लाइबोग, लवबर्ग वो भी है महसूस तो होता है कि ये क्या है जनाब ये जो परसोनीफाई रही है ना किसी की वो दिखाते है ना अः शख्सियत तो ये मोहब्बत को शख्स शख्सियत बना के हमारे सामने पेश कर दिया गया है और इसकी जेनरासि और मैगनेमस्टी अब इसकी शाइस्ता दिली और इसकी नरम मिजाजी इसका नरम दिल ये सब कुछ इसकी शख्सियत में शामिल है क्योंकि मोहब्बत के जो पहलू होते हैं नरम दिल होना हमदर्द होना दूसरे के लिए निछावर कर देना अपना आप ये सब उसमें पाया जाता है बड़ी ही रहम दिल है बड़ी ही शरीफ किस्म की है बड़ी ही प्यार करने वाले रखती है इफेक्शन रखती है एड और सिंसियर है सबके लिए क्वालिटीज बड़ी अच्छी है साथ उनमें यानी दोगली नहीं है हिप्पोक्रेट नहीं है हमारी हेडा की तरह हेडा हिप्पोक्रेट थी ये हिप्पोक्रेट नहीं है दिल में से नरम है सामने से भी नरम है बस थोड़ी फजूल हर्च है अब जनाब वो क्या करती है वो इवन अडोर्स करती है तारीफ करती है अपनी उस डॉटर की जो कि इसने लेके पाली हुई है जिसका नाम है वारिया और बिहेव करती है उसके साथ इतना वाला विद हर सर्वेंट्स अपने नौकरों के साथ इतनी शाइस्गी से पेश आती है कि वो समझते हैं मालिका नहीं आ गई हमारी कोई सेली आ गई हमारे पास ये जनाब एक लार्ज फैमिली को सपोर्ट कर रही है उसके साथ इसको लार्ज फैमिली को चलाना है और ये साबित हो जाता है कि ये जो खतून है ना ये नेचर की है बड़ी ही अच्छी नेक दिल और प्यार करने वाली है भाईजान की तरफ चलते हैं इसका भाइया है गेव गेव ने यहाँ पे वी नहीं आना चाहिए गेव यहाँ पर वी था गेव वो क्या करता है वो इिस्पॉन्सिबल है जहिर है जैसे अमीरों की बिगड़ी उलादे होती हैं गैर जिम्मेदार और सेंट्रिक हैबिट्स और उसकी आदात ऐसी है कि जिससे आप समझ लें कि जुनूनी किस्म का बंदा है काम करने से काम चोर और अपनी मर्जी का मालिक और अकेला गेम खेलता रहता है ऐसा दीवाना है कि वो एक गेम होती है ना वो अमीरों की कौन सी होती है मेरे ध्यान से गेम का नाम निकल गया अभी आएगी वो गेम का नाम वो जो स्टिक के साथ बॉल को मारते हैं ना वो टेबल के ऊपर रख के ये वो गेम खेलता है और ख्यालों में ही खेलता है हालांकि ना कुछ टेबल है ना कोई गेम कई चीजें इसके पास लेकिन ये मजनूर है ना अपनी आदत का दीवाना है वारिया जो इसकी अडोप्टेड डॉटर है जो उसने ले, लेडी रेनवस्की ने लेके पाली हुई है अब वो पीक पे चली गई है अपने यूथ पे और अब उसकी उम्र हो गई है शादी की शादी कौन करे शादी किससे करे पीछे खर्चे भी तो बड़े है ना और उसकी अपनी बेटर है एक अनाया और वो भी यंग हो रही है जवान हो रही है और उसका जो फैमिली सर्वेंट है याशा ये है याशा जो मैं आपको कह रही थी कि बड़ा आवारा किस्म का है और फर्स्ट उसका दादा है ये दादा और पोता एक दूसरे के ऑपोजिट हैं जैसे अनाया और वारिया को देखें तो एक दूसरे को ऑपोजिट है और लेडी रेन विस्की को देख ले तो एक दूसरे ऑपोजिट और बहुत से ऐसे करेक्टर्स हमें नजर आते हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं इसके ऊपर यानी लेडी के ऊपर इस रेन बिस्की के ऊपर क्योंकि ये अगर सेंटर में है मिस्टर कर्ट्स की तरह ना तो साइडों पे सारे किरदार है जैसे अकाउंटेंट और रशिया और इसके साथ मंगेतर और वो साथ ही मिस्टर मार्लो ये लेडी भी हमारी सेंटर में और सारे किरदार इसके इर्द-गिर्द ये सारे जो करैक्टर हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं इस तरीके के साथ और द अदर टू हर एक या दूसरा तरीका कोई लगा लें ये उनसे जुड़ी हुई है क्योंकि वो बड़ा ख्याल करती है उन सब की जरूरियात का बाज़ुकात वो कोशिश करती है कि उनको पैम्पोर करे उनको बहुत ज्यादा पुश करे उनको बहुत ज्यादा वोड़गलाए उनको बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि सराहे अब वो क्या करती है थ्रोज हर सेल्फ अपने आप को फेंक देती है फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंक अब ये नहीं कि वो आसमान से गिरी है और नीचाई ये वो है कि बस आसमान से गिरी और खजूर में अटकी है ये एक ईडियम उसने आपके लिए यूज किया है सिंपली बिकॉज हर लेविश हैबिट्स लेविश है अंडरलाइन करे ये उसकी जो याशाना आदतें थी ना ये है लेविश हैबिट्स इनकी वजह से वो अपने आप को आसमान से जमीन पर गिरा देती है एक्ट फोर में हम देखते हैं जब ये हमारा गेव है देखो ये भाई है इसका आर नहीं है वी है नसीहत करता है उसको कि सख्त हो जाओ कंट्रोल करो अपने पर्स के ऊपर तो वो कहती है आई कॉन्ट मैं अपने आप पे काबू नहीं रख सकती मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर सकी मैं अपने पर्स पे काबू नहीं रख सकती तो ये उसकी आदत थी जनाब लेवी शरफूर खर्चा तो उनके इम्प्रोविडेंस क्या करती है केयर फ्री नेचर है उसकी नेचर ऐसी है कि किसी का ख्याल नहीं रखना और दो मेजर जो इसके ड्रॉबैक्स हैं यही उसकी कमजोरियां हैं इसके किरदार की पीपल जो हैं वो क्या करते हैं फ्यूडल क्लास को अंडरलाइन कर लें ये जो फ्यूडल क्लास के लोग होते हैं वो जनरली हैव आम तौर पर अमीरों में ही ऐसी गुस्ताहियां पाई जाती हैं पैसा लुटाना क्योंकि बाप दादा की जायदाद होती है कौन सी कमाई होती है नी प्लान अगेंस्ट द रेनी डेज रेनी डेज एक और उसने के लिए निकाल के रख दिया ये बुरे हालात के लिए उसने कोई प्लान बनाकर नहीं रखा हुआ और नोर इज शीट और ना ही वो अपसे वो परेशान है अपनी आजकल की फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ आजकल के जो हालात खराब हुए हैं उसे उनसे भी कोई परेशान नहीं, नहीं है स्टील स्पेंड मनी अभी तक दौलत को खर्च कर रही है बाउंडी फुली एज एवर ऐसे ही फजूलियात चीजों पर जैसे वो हमेशा से करती आई है और फेस्ड करती है ट्रेजिडी का बहुत से औकात में अपनी जिंदगी में बहुत सी इस ट्रेजेडीज़ इसकी जिंदगी में आती है उसके हस्बैंड्स की फोतगी हो जाती है ऑफ चैंपियंस में यानी वो डर जाते मर जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा शराबी होता है इसका शोहर छोटा बेटा उसका डूब के मर जाता है लैबों हमें ऐसा महसूस होता है टू ईट हर हर्ट आउट एंड स्नोब्स उसने अपना दिल जैसे कहता है ना दिल जब्त कर लिया है उसने अपना दिल खत्म कर दिया है और लेती है ओवर द डेथ ऑफ हर ओनली सन बाय ड्रॉइंग इन द रिवर रिवर नहीं है इनके घर के पास ही होता है कोई छोटा सा रिवर होता है जहां पर ये जा रही होती है तो ये वहां बैठी हुई है बच्चा रिवर में चला गया होश कोई नहीं है ये इसकी लापरवाही भी तो थी ना अब ये वहां गई है और अपने दिल को जब्त करती है बड़ी बेटे की मौत में छह महीने के अंदर अंदर ही बेटा भी मर जाता है और बाप भी मर जाता है अब उसके चाइल्डहुड में वो वफात पा जाता है बच्चा भी छोटा ही होता है वफात पा जाता है कोशिश करती है कि ये जो पॉइजन कर ले अपने आप को जहर खा ले और अपनी जिंदगी को खत्म कर ले जब वो मिलती है ट्रॉफी में उसे उसके टीचर को जो कि उसके बच्चे का टीचर है और वो रोती है इन अल्फाज में माइग्रेशिया मेरा बच्चा मेरा लड़का मेरा चिल्टन बच्चा हाई डूब गया क्यों क्यों डूब गया वो वाए 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 तो तुम अपने आप से पूछो ना जब पांच छह साल का बच्चा लेके तुम बाहर निकली हो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को संभाले बच्चे की निगरानी रखे माँ हवा शीशा देख के अपना मुंह देख रही है या दूसरी तरफ अपने कामों में मसरूफ है बच्चे और चले गए दरिया में नहाने के लिए वहां डूब गए किसी को पता ही कोई नहीं चीहे मारता रहा होगा बच्चा बंदा चैंपियंस का इस्तेमाल कर रहा है बंदा शराबी कबाबी बन गया क्यों बंदा बंदा शराबी ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स है ये उसकी जिसे कहते हैं ना कमजोरियां है इसे उनपे काबू पाना चाहिए था अब उसे फिर मोहब्बत हो जाती है बंदा मर गया है और जनाब बच्चा भी मर गया है एक बार फिर इश्क में मुबतला हो जाती है क्योंकि लवो है ना लव है ना नेचर में मोहब्बत पाई जाती है एक और के साथ प्यार में मुबतला हो जाती है और वो जनाब कहता है मैं बुरा बीमार मुझे पैसा चाहिए मेरा इलाज कराने बराबर ये अपनी सारी दौलत ना असल में उसके इलाज पे भी लुटा देती है उसे बड़ी खिदमत करती है दिन रो तो रात उसकी खिदमत करती है लेकिन वो इसे लूट लेता है उस शख्स का नाम नहीं बताया इन्होंने वो इसे तबाह कर देता है और छोड़ देता है डेजर्टेड कर देता है तनहा कर देता है और स्टार्ट कर देता है लिविंग विद एन अदर साथ रहना शुरू कर देता है ये तो ना चक्कर इसका पैसा लूट गया सारा कुछ ले गया बाद में भाग जाता है ये खतून जो है स्थेटिक ब्यूटी रखती है इसे रूहानियाती जमालियाती हुन की दीवानी होती है और मैनीफेस्टे जाहिर होता है थ्रो हर लव इसके लव से कि जो कि चैरी ऑर्चे के साथ उसको है हमें इस बात का जाहिर इस वजह से होता है कि ये ऑर्चड की उन शाहों को पसंद करती है उन सफेदियों को पसंद करती है उन सब को पसंद करती है तो यानी मोहब्बत इसे जमालियाती हुसन से भी है और इसे इंसानी हुसन से भी है इसकी तन्हाई जो है ना अटैचमेंट हो जाती है उसकी तन्हाई जो है वो जुड़ी हुई है उसके इस चेरी के ऑर्चड के साथ इस चेरी के बागत के साथ और तो बात हैं कि ऐसे मिलों पर फैले हुए हैं ऐसे बागों को नहीं संभाल सकते जब आपके पास नौकर चाकर नहीं है नौकर चाकर होंगे तो संभालेंगे वरना कौन सफाई करेगा घर के पांच मरले का घर नहीं हम लोगों से साफ होता तो ये बाघ को उसने जो इसे मशवरा दिया था लाईबोक में भी लाउबाग का करेक्टर करवाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छा मशवरा दिया था उसने के इस ऑर्चर्ड को छोटा छोटा कर दो जो आएगा वो खुद ही झाड़ लेगा कुत्ता भी बैठता तो पूंछ मार के साफ कर लेता कोई आएगा तो सफाई करेगा हमसे तो इतना बड़ा ऑर्चर्ड कहाँ साफ होना है ये उसकी तन्हाइया इससे जुड़ी होती है और सारे का सारा उसका जो है ना शाऊर और लाशाउर और उसकी सोच चेरी और चर के लिए ही होती है वो नहीं चाहती कि वो इसे खो दे किसी कीमत पर नहीं चाहती और जब वो सुनती है कि जनाब इसकी नीलामी हो रही है अक्षम हो रही है वो बड़ी डाउन हो जाती है इन द डम्ब और वो बिल्कुल गुंगी बहरी बन जाती है अब इसको फोर्स किया जाता है कि जनाब सेल कर दो चेरी ऑर्चे को और यहाँ उनके बचने के लिए अब वो एक बुराई बन रहा बिकम द नेसेसरी जो कि बुराइयां बन रही थी एंड देर इज नो वे कोई रास्ता भी नहीं होता आउट निकलने का कि आपने पे ऑफ करना है अपना है अपना कर्जा पे ऑफ करना है तो जनाब उस चेरी ऑर्चर्ड के छोट छोटे छोटे प्लाट बना के सेल कर दे तो सेल भी करें या किराए पे चढ़ा दें ऐसे कर ले वो इसे पैसे देने को तैयार होता है वो कहता है मैं पैसे दूंगा तुम इसको जनाब सेल भी ना करो इसको बस किराए पे चढ़ा दो या छोटे छोटे से इसके एरिए बना दो होटल टाइप बना दो नहीं मानती लास्ट वर्ड्स उसके क्या होते हैं चेरी रोडशेड के लिए और वो ना नाकाबिले भूलने वाले नहीं है ओ माई डियर माई जेंटल माई ब्यूटिफुल ऑर्चर्ड माई लाइफ माई है फेयरवेल अल्लाह हाफिज जनाब प्यारे खूबसूरत मेरी जिंदगी मेरी खुशियाँ और खुदा हाफिज अब जो दूसरा आएगा वो तो काटेगा ना ऑर्चिड को लफागर कहता है कटवा लो कुछ छोटे छोटे प्लाट बना लो तो कहती क्या ऐसी बात कभी दोबारा ना मेरे सामने करना कि कटवा लो जिसको तुम बेच के गई हो वो क्या ऑर्चर वैसे ही रखेगा जिसने नीलामी में खरीद लिया करते हैं इस खातून के करेक्टर को जनाब हम कह सकते हैं कि वो जो है खातून एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है और इस क्लास की जो कि रशिया में मौजूद थी और उनका जो लास्ट डिके था जो आखिरी दस साल थे ना नाइनटीन सेंचुरी के उसमें ही ये किरदार आपको मिलते हैं और ये उनकी नुमाइंदा है